लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दादाजी ने कहा था कि निशाने की प्रैक्टिस करो। हाँ, हमको देश आजाद कराना है। अच्छा, चलो तो दादाजी के पास चलो। अब्बा, आप इन बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? अमीना बहू, बच्चों को तो आजकल बिगड़ना ही बिगड़ना है, बजाय इसके कि बाहर वाले इनको बिगाड़े, हम खुद ही क्यों ना घर में बिगाड़ दें, ताकि कम अज कम अपनी आंखों के सामने तो बिगड़े। बुजुर्ग तो बहुत देखे, मगर बिगड़े हुए बुजुर्ग सिर्फ आप जैसे ही देखे। घर के सारे गिलास तोड़ दिए। देखो, इनका बाप माने मेरा बेटा मैं अव्वल नंबर का निशान जी था, उसको भी मैंने इसी तरह सिखाया था। अमीना, तुम्हारी आंखों में फिर आंसू, वो तुम्हारा खाविंद था मगर मेरा बेटा भी तो था, वो बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया। अरे, तुम्हारा नाना मैं हूँ या मेरा कुत्ता? अरे अमीना, कैसी हो बेटी? जी, आओ कर्नल मोहम्मद दीन, आओ। क्यों कर्नल सलाउद्दीन, हो जाए दो दो हाथ, हो जाए दो दो हाथ। ये नया हाथ? हाँ, अमेरिकन एड में फ्री मिल रहा था, सोचा लगवा लो। बैठो, ये जुलूस निकाल रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं, इससे दंगा फसाद होता है। मेरे दामाद यानी कि तुम्हारे बेटे ने अपनी जान दे दी, तो क्या हम अपने देश के लिए जुलूस भी नहीं निकाल सकते? अरे यार, तुम तो भाषण देने लगे, पहले राशन की बात करो, ये बताओ कि खाओगे क्या? अरे भाई, खाने की बात तो बाद में, पहले ये बताओ कॉलेज में पढ़ने वाली तुम्हारी बेटी रुखसाना कहाँ है? आजा बसे अंकल। रुखसाना बेटी, तुम तो कॉलेज में थी, ये सर्कस में काम करते शुरू कर दिया है? सर्कस नहीं अंकल, आजकल कॉलेज में मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। अब तुम्हारे भाई हसन के बारे में ना पूछूंगा, वो कहीं छत फा कर न पूछ पड़े। हसन ना जाने कहाँ है? हसन भाईजान अपने गुरु डॉक्टर बोस के साथ हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे होंगे। हसन, स्विच ऑन। मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, उसकी जिंदगी का सवाल है। इसकी जिंदगी का सवाल बाद में होगा, पहले तुम्हारी मौत का सवाल है। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, हम ज्यादा गोलियां बर्बाद करना नहीं चाहते। अरे, ये तो ब्रिजी बेल के कैप्टन अहमद है, होने दो ऑपरेशन। चलो नर्स, स्ट्रेचर लाओ जल्दी से। नहीं हसन, नहीं, मैं नहीं बच सकूंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर बोस। फजूल है, वक्त कम है, मुझे ऑपरेशन खत्म करने दो।
मगर वो आपके काजल का ऑफिसर है डॉक्टर बोल्स। नहीं सर नहीं, वो इंसान है, मुझे उठाओ। Leave me alone, Hassan. बच गया। Thank God, Hassan. आप डॉक्टर बोस को संभालिए। यहाँ तो सुनहरे चेहरे भी हैं। हमने तो सोचा था कि गंदम ही होते हैं, मगर अब पता चला कि तुम्हारे जैसे मखंचो भी होते हैं। बोलते तो खूब हो मेरी जान, रील खोटू। हम यहाँ सिर्फ इस गद्दार को गिरफ्तार करने आए हैं, औरतों की इज्जत लूटने नहीं। अब तेरी इज्जत कौन बचाएगा? क्या बेटा? सारनी का सीक्रेट ऑर्डर है। क्या? ये कुत्ता इसके कपड़े क्यों उतार रहा है? समझे ये क्या कह रहा है? इशारे से बता रहा है कि हसन इस सब के कपड़े पहनकर हम सबको यहां से बाहर ले जाए। थैंक यू दोस्त। गुड बाय अंकल। चलो सुनो, जल्दी जीप में बैठो, जल्दी चलो। ड्राइवर, तुम कोर्ट साहब का यहां इंतजार करो, मैं इन गद्दारों को हेडक्वार्टर्स पहुंचा के आता हूं। यस सर। जल्दी। उन लोगों को जाते हुए देखा वो टुंडा लंगड़ा? कैप्टन साहब उन्हें हेडक्वार्टर्स लेके गए। कैप्टन साहब के बच्चे को इनकलाबी था। चलो उनके पीछा करो, आओ मेरे साथ। कमा
कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। अमीना तुम्हारी बहू जरूर है, लेकिन मेरी बेटी भी है। ये कुत्ता जो मैं इनके साथ भेज रहा हूँ 10 सिपाहियों के बराबर है। और तीसरा ग्रुप मैं और रुखसाना। नहीं जान, मैं अकेली ही जाऊंगी। 4 ग्रुप का चांस 3 ग्रुप से ज्यादा है। बेटी तू अकेली जाओगी? अब्बा तुम्हें मेरी फिक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा देखो अब मैं कैसे जाती हूँ। बेटी और देखो बच्चों की जिम्मेवारी पूरी तुम पर है, मगर घबराना बिल्कुल नहीं, देश और अल्लाह तुम्हारे साथ। अच्छा बजन, अब इस बच्चे को भी इजाजत दीजिए, रुखसान चलकर घोड़े पर बैठ गए। अब देखिए आपका हसन कैसे उछलकर जीप पर बैठता है। कर्नल मोहम्मद दीन। यस कर्नल दीन, इन बंजारों को देखा? क्या मतलब? मतलब ये कर्नल मोहम्मद दीन कि हम बंजारे बन जाएं तो? बंजारे बन जाएं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कर्नल मोहम्मद दीन कि बंजारों की एक तारे के अंदर एक नाली बंदूक छुपाई जा सकती है। वेरी गुड। अर्दली। यस सर। उन दो काले कौवों को अंदर बुलाओ। अंदर आओ। देखो ये रुखसाना का फोटो है, जिस तरह भी हो सके इसे पकड़कर मुझे इतला दो। यस सर। अर्दली। यस सर। अब उस खूबसूरत लड़के को अंदर बुलाओ जो हमारे जासूस है। अंदर आइए। यस सर। इस खूबसूरत लड़की का नाम रुखसाना है, हमारे फौजी उसे खेल लेंगे और तुम पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करोगे। इस तरह वो लड़की तुम्हें अपना समझने की कोशिश करेगी, उस वक्त तुम मुझे फॉरेन ट्रांसमीटर पे बताओ, मैं वहां पहुंचकर उसे खत्म कर दूंगा। जाओ। ओके सर। कर्नल मोहम्मद दीन। यस कर्नल सलाउद्दीन। हम तो घोड़े दौड़ाने वाले थे, हमसे आज ये गधे भी नहीं चल रहे। अरे आप इस उम्र में हम क्या चलाए। ए गधों मर गधों, तुम कौन हो? सरकार हम तो बन जा रहे हैं। एक तारा बोले तुन तुन तुन। क्या कहे ये तुम तुन तुन तुन। मुझे तुम जासूस मालूम होते हो। जासूस और हम? सरकार हमको तो आप जासूस मालूम होते हैं। तुम्हें रानी तराना आता है? हाँ सरकार आता है, मगर उसके लिए आप सबको यहाँ लाइन में जरा टेंशन खड़ा होना पड़ेगा। ऑल राइट। यस सर। अटेंशन। तारा मारे तुम तुम तुम। अरे क्या करता है ये तुम तुम तुम। हसन तुम तो कहते थे नेता आएंगे, अभी तक नहीं आए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। नौजवान ये तो जानने वाले ही जानते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? हम इनकलाबी आपका उपदेश चाहते हैं, बहादुरो देश को दुश्मनों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी फौज बनाओ, हथियार उठा लो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, एक छोटी सी चिड़िया को बाजों से लड़ा दो, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। हम वो इंकलाब हैं, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हम ही तो भाव है। रुके न जो, रुके न जो, रुके
न जो मिटे न जो दबे न जो हम वो इंकलाब हैं, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हम ही तो हाब है। मिटे न जो हम मिटाते ही रहेंगे मजहबों के राज को, तख्त और ताज को, कल के लिए आज को, कल के लिए आज को, कल के लिए आज को, जिसमें ऊंच नीच हो ऐसे हर समाज को, हम बदलते ही रहे हैं वक्त के मिजाज को, वक्त के मिजाज को, वक्त के मिजाज को, क्रांति के राग है, जंगलों की आग है, सामने जो आएगा जलाएंगे मिटाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इंकलाब है, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हम ही तो हाब है। रुके न जो लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, धर्म के, धर्म के, देश के, भाषा और भेष के भेद हम मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। के न जो, रुके न जो, रुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इंकलाब है, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हम ही तो हाब है। मिटे न जो नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, मानते हैं रिश्ता हम इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, हुक्म चल सकेगा नहीं जुल्मी हुक्मरान का, सारे जग पे हक हमारा, हम पे हक जहान का, हम पे हक जहान का, हम पे हक जहान का, गरीब को, गरीब को जगाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, एकता के जोर पे किसी से भी लड़ जाएंगे। के न जो, लड़ते हुए अपने देश के लिए कुर्बान हो जाओ, उन्हें बर्बाद कर दो जिन्होंने हमें बर्बाद किया है। मगर हम मुट्ठी भर औरतें इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? झांसी की रानी जीती नहीं मगर लड़ते लड़ते जान दे दी, हम भी वही करेंगे। चलो
कमर कस लो, दुश्मनों के दांत खट्टे करने हैं। आओ मेरे साथ। हम आपके भी मदद कर सकते हैं। आप हमें नगर पहुंचाएंगे? आइए बैठिए। चलो चलो। रुखसाना पकड़ी गई। वेरी गुड, मैं अभी आता हूं। कहां है वो? लॉकअप में। अब काबू में आई हमारे खिलाफ बगावत। आज हम तुम्हारी जवानी के साथ साथ इन सब की जवानियां लूटेंगे। कैप्टन खोटू, तुम बेशक हमारी जवानी लूट सकते हो, मगर दुश्मनी हमेशा के लिए दोस्ती में बदल सकती है, अगर तुम में कुछ भी अकल हो तो। क्या मतलब? सिकंदर ने पोरस को लड़ाई में हरा के पूछा, बोलो तुमसे क्या सलूक किया जाए? वही जो बादशाह को दूसरे बादशाह से करना चाहिए। हाँ, मगर इससे तुम्हारा मतलब? मतलब ही कि मैं एक बड़े खानदान की लड़की हूँ और आप भी बड़े खानदान के हैं। अगर बदमाशी के बजाय आप शादी करने की सोचते तो मेरी इज्जत भी बच जाती और जो तुम्हें चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाता। ये हुई ना बात। सिपाहियों, अब तुम जाओ, अगर हम बुलाएं भी तो इधर मत आना। खुदा कसम, मिसेस खोटू बनकर चांद का टुकड़ा बन जाओगी। खुदा कसम, तुम भी सूरज का टुकड़ा बन जाओगे। इतने जोर से? ये तो माशूका नादा है, जोर तो इस। अबे बैठ, ये तो खुशी की चीज है। याद है कुटू साहब ने क्या ऑर्डर दिया था? हम बुलाए भी तो मत आना। चल बाय बाय।
जॉब कर कहते हैं। आओ कुछ ही देर में इन लाशों से बदबू आने लगेगी, आओ यहां से चले। जरा सुनिए, हर आदमी हर औरत को हासिल करना चाहता है। चाहता तो है। अगर तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है तो मगर ये तुम्हारा हक है। हक? क्या तुम्हारी भी एक ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश तो बहुत ऊंची है, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहूंगी, मगर पहले मुझे अपना मिशन पूरा करना है। मिशन? कैसा मिशन? अब तुमसे क्या छुपाना, नगर में मुझे एक पैगाम पहुंचाना है जिसे मैंने अपना बाजू चीर के छुपाया है। मुझे भी इस मिशन में अपना साथी समझ लो। मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी समझ चुकी हूं, चलो आओ। सुनो चांदनी रात है, थोड़ी देर यहीं आराम कर लें। ठीक है, तो तुम यहां और मैं वहां। हेलो हेलो, 339 स्पीकिंग। यस सर, लड़की मेरे जाल में आ चुकी है। ये कौन से मुल्क की एड है? तुमने हैंड्स अप क्यों किए? मैंने तो नहीं कहा था। अब हैंड्स अप ही रखो। भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद। तुम्हारा चेहरा तो खूबसूरत है, अगर तुम्हारा दिल भी थोड़ा सा खूबसूरत होता तो शायद ये साथ जिंदगी भर ले जाता, मगर अब तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हें छोड़ रहा है। कैप्टन खोटू, तुम्हारे काले कौवे उड़ गए हैं। अरे ये तो अपनी आर्मी के लोग नजर आ रहे हैं, आओ चलो उनसे मिलते हैं। चलिए। वसन खोटू साहेब, Thank you.
अपने कितने मरे? अपने 5 उसके 8। इस बार कुछ मजा नहीं आया बेडू, अगली बार देखेंगे। मौलाना मौलाना, हम 2 दिन से भूखे प्यासे चिंगड़ों में मारे मारे फिर रहे हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ मस्जिद में सर छुपाने के लिए। खुदा आपका भला करे। खुदा तो बाद में भला करेगा, ये फौजी आकर पहले बुरा करेंगे, मुझे भी खत्म करेंगे और इस मस्जिद को भी। जाओ बेटी, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। दोस्त, दोस्त, चल चल इधर। ओ दुनिया के मालिक, तेरे बंदों को तेरे घर में जगह नहीं मिल रही है, अब तेरी तरफ से मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। कोई गलती हो तो माफ कर देना, मत बलिए छोटी मोटी चोरी। ए होटल वाले। जी सरकार। हमारी गाँव के लिए अंडे कहाँ है? लीजिए सरकार। अरे बाप रे बाप, मालूम होता है वो मोटी औरत आज फिर अंडे चुरा के ले गई। कौन सी मोटी औरत? वही मोटी औरत जो होटलों से खाना चुरा कर रिफ्यूजो खिलाती है। झूठ मत बोलो, हमने उसकी अभी अभी तलाशी ली है, उसके पास एक भी अंडा नहीं। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ? हाँ माँ हमारे लिए खाना ढूंढने गई है। मैं भी तुम्हारे लिए अंडे लाई हूँ, माँ को कहना पका के खिला दे। अंडे कहाँ है? अंडे ऐसी जगह छिपाए हैं जहाँ पुलिस भी तलाशी नहीं ले सकती। ए मोटी। अरे बाप रे संतरी, खा लेना बेटा। हाँ ए मुर्गी का बच्चों, ये पुलिस के अंडे हैं, भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के कच्चू माल निकाल दूंगा। भागो। माँ भूख लगी है, माँ पानी तो पिला दो। तुम्हारी माँ के पास ना पानी है ना खाना, खुदा से मांगो खुदा से। कहते हैं जो पैदा करता है वही पेट भी भरता है। माफ कर दे अल्लाह, क्या करूं भी तुम इससे। देखो देखो मामा अपने बच्चे को दूध पिला रही है, क्या तुम मैं दूध भी नहीं पिलाओगी? पी लो, दूध तो नहीं है, छोटी तसल्ली कर लो, मेरे बच्चे। माँ दूध तो नहीं है। चलो तुम्हें कुएं से पानी पिला दो। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। इस कुएं का पानी मत पियो, मत पियो इस कुएं का पानी, दुश्मनों ने इस पर हैजे के कीड़े डाल दिए थे। क्यों? क्यों? गांव वालों ने देश का झंडा उतारने से इनकार कर दिया था।
बेटा दोस्त, मैं तो सलमा और शकुर के लिए कुछ नहीं ला सकी, तू ही कहीं से खाना लिया। घर को मत गोदाम बनाना, समझे? अरे घर को मत गोदाम बनाना, तू ना तीन तीन खाना और पापा तीन तीन तबादी का पहला बाजी का तीन तीन तब होंगे एक तीन तीन तब लाबाजी का भाई, जरा देख के चलो आगे भी नहीं पीछे भी, आए ही नहीं पाए भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, जरा देख के चलो। ख्यालों में आ मेरे काले बेटे, बताया था बाप कहाँ है? एक काला है ये पक्षी। काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 जाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 जाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम चलते हैं, अगर मेरे हाथ में बंदूक होता तो तुझे मैं जान समझ। अच्छा तो हम चलते हैं। उसको खड़े चाकी तो रुक जाओ। जल्दी कर यार, बड़ी भूख लगी है। ले यार, पेट की भूख भी मिटा ले। हाँ हाँ ठीक है। ले खा ले अंडा। ला प्यारे, तो भी क्या याद क्या है? सर यही है वो कुत्ता जिसने हमारे दो सिपाहियों को मार डाला। अच्छा, तो ले चाबी और बंद कर दे इसको बारूद, साला तड़प तड़प कर मर जाए। ठीक है। Ah.
यहीं तो रखी थी। अरे बाबे, अरे जल्दी आ जाओ। ठहरिए, क्या आपको ये ख्याल नहीं आता कि अब तो आप मेरे खाविंद हैं। अपनी बीवी को छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? खाविंद? मैं आपका खाविंद कैसे हो सकता हूँ? ये एक हादसा था। निकाह को आप हादसा समझते हैं? अल्लाह अकबर, मैंने खुदा के नाम से आपको अपना खाविंद तस्लीम किया है। अब आप मेरी जान है कि मालिक नहीं, मैं दिल भी दे बैठी हूँ आपको। मगर आप तो मुझे जानती भी नहीं। मैं आपको बचपन से जानती हूँ। वो कैसे? तहजीब में लड़की को बचपन से सिखाया जाता है कि उसका होने वाला खाविंद उसका खुदाए मजाजी है। जिस तरह खुदा को चाहने वाला उसे बगैर देखे मोहब्बत करता है, उसी तरह लड़की भी अपने होने वाले खाविंद को बगैर देखे उसे दिल दे बैठती है। मुझे अपने साथ ले चलिए। मगर मैं तो इनकलाबी हूँ, मेरे साथ जाने से आपकी जान को भी खतरा है। शादी को कुछ में पटाखे चला रहे थे। कह दो। कुछ नहीं, शादी की खुशी में पटाखे चला रहा हूँ। हैं? लो, ये नौजवान भी अजीब चीज है, पहली रात बीवी को पटाखे चलाकर खुश कर रहा है। हाला, अपना मत भूल गए जब पहली रात तूफिया बजाते हुए अंदर आए थे। जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ हिलना मत। आओ बेगम। माजबी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो। तुम्हारी होने वाली बीवी थी, मेरी हो चुकी है। हदीस में लिखा है जाबिर खां के दूसरे की औरत पर नजर उठाकर देखना गुनाह है। खुदा हाफिज़।
यकीन है कि मेरी गोली उसको लगी होगी। तब तो यहीं कहीं छुपे होंगे। चलो। अरे आपका बदन तो बहुत ठंडा है, बिल्कुल बर्फ की तरह। बहुत खून बह गया है, अगर बदन को गर्मी न पहुंची तो मेरा बचना मुश्किल है। मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं अपने बदन की गर्मी से आपको बचा लूंगी। मौजा भी, ये क्या? कोई गुनाह तो नहीं कर रही, इस जिस्म के मालिक आप हैं। खुदा ना करे आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। घर तो अब मेरे शोहर के साथ है। तुम्हारा शोहर मैं हूँ? जी नहीं। ये मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम मेरे साथ न चली तो मैं अभी से खत्म कर दूंगा। दुनिया ने ये पहला ही बाप देखा होगा जो अपनी बेटी का सुहाग खुद अपने हाथों उजाड़ना चाहता है। चलाइए गोली। रुक क्यों गए, चलाइए ना। किया महाजबी? वही वही जो एक शोहर परस बीवी को करना चाहिए था। ये जान आपकी थी, आप पर कुर्बान कर दी। मालूम होता है सिपाही इधर आ रहे हैं, मैं उन्हें रोकता हूं, तुम यहां से जाओ। जिस शान से आपने अपनी बेटी की शादी की थी उसी शान से मेरी बीवी को दफन करना। ऐसा ही होगा, मैं तुम जाओ जाओ हसन जाओ। अल्लाह के नाम पर लंगड़े रुले दरवेश को कुछ खिला दे बाबा। लो कमबख्त खाने के वक्त ही आए। अरे माफ करो बाबा, माफ करो। बेटा जमालुद्दीन, अगर तुमने हमें खाना नहीं खिलाया तो बहुत पछताओगे। अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। बेटा कमालुद्दीन से क्या पूछते हो, दरवेश से पूछो। अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं, बहुत पहुंचे बाबा मालूम होते हैं। आओ बाबा, आइए बैठिए बाबा, आइए बैठो, आइए। बेटा हमने खाना खाया नहीं कि तुम फटाक से जन्नत हो। क्या मतलब फटाक से जन्नत है? इनका मतलब है साईं बाबा का कि हमें खाना खिलाओगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तो बाबा पहले मेरा खाना खाइए। अबे उल्लू के पट्टे, तुम मुझसे पहले जन्नत में जाना चाहते हो? हाँ जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीनियर हूँ। लो बाबा पहले मेरा खाना खाओ। घबराओ नहीं, तुम दोनों जन्नत जाने वाली हो। क्यों साईं बाबा? हेलो चौकी नंबर 13। देखो वहां से दो इनकलाबी, एक टुंडा और एक लंगड़ा दरवेशों के भेस में निकल पड़े हैं, होशियार रहो। यस सर।
अरे अरे ये क्या कर रहा है? खुदा के बंदों को मार रहा है? ये खुदा के बंदे नहीं, हमारे दुश्मन है। खड़े हो जाओ। Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. ये दरवेशों को पकड़ लिया हमने। नहीं साहब, असली पुलिस तो हम हैं, जासूस तो ये है। हाँ ये गोली मार देंगे, ये जासूस है दुश्मन के। दाढ़ी उतार के दिखाओ जी नकली। ये देखिए दाढ़ी भी नकली है। समझ गया, चलो हमारे साथ। चलाओ गए मर्दूद। फौजी पीछे पड़े थे, मैं उनसे बच के यहाँ आई हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग रेलवे लाइन उड़ाना चाहते थे, लेकिन पहरेदारों की वजह से ये काम ना हो सका। अगर हम किसी तरह ये ट्रेन रोक ले, बहुत से फौजी मारे जा सकते हैं। ट्रेन मैं रुकवा सकती हूँ। वो कैसे? इस तालाब में कपड़े उतार कर नहाना शुरू कर दूंगी, वो फौजी भेड़िए मुझे देखते ही ट्रेन रोक लेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, हम आपको अपनी बहन समझते हैं। उस वक्त तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी, जब लाखों औरतों को नंगा किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, उनमें तुम्हारी माँ भी थी, बहन भी थी। बोलो, जवाब दो। अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए अगर एक औरत अपने कपड़े उतार दी, तो ये मेरा ईमान है खुदा उसे माफ कर देगा। गाड़ी क्यों रुका? हजूर सामने देखिए क्या माल है। चलो हसीना बाहर आ जाओ। Ah!
17 down speaking. मैं 25 अब बात कर रहा हूँ. मेरी गाड़ी में गोला बारूद भरा हुआ है. तुम ऊपर की लाइन से क्रॉस करो. ओके. Over and out. मैं 17 down को 25 आपसे टकरा के छुट्टी कर दूंगा. सेवेंटीन डाउन और 25 अप की मैं चटनी बना दूंगी. अभी यहाँ ठहरो, उनको अभी चक्कर देकर आता हूँ. बेटा, यार ला, पुलिस की नौकरी में पब्लिक की देखभाल से ज्यादा अपने अफसर के बच्चों की चौकीदारी करनी पड़ती है. घर चलो, नहीं तो तुम्हारे पास मुझे डिसमिस कर देंगे. चलो. अरे वो देखो बच्चा हमारी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है. हाँ, दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर तुम तो गाने वाली हो. फेरे इंकलाबी, मैं गाने वाली जरूर हूँ, मगर देश के लिए मेरा भी दिल रो सकता है. मैं तुम्हें बचाऊंगी. चलो. आदाब अर्जी सरकार. यहाँ वो इंकलाबी आया. यहाँ तो इंकलाबी भी आते हैं, शराबी भी आते हैं और जिलाबी भी आते हैं. चालाकी मत करो. पचास इनकलाबियों की गर्दने उड़ा के आया हूं और इस इनकलाबी की जिंदगी भी मैं यहां से मिटा के जाऊंगा. जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी और गर्दन भी लाखों की हुजूर उड़ाई होगी, पर आज मैं फिल्में तुम्हारी भी सफाई होगी. आज मैं फिल्में तुम्हारी भी सफाई होगी. जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी. जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी और गर्दन भी लाखों की उड़ाई होगी. आज मैं फिल्में तुम्हारी भी सफाई होगी.
से कभी प्यार किया था। तुम ही थे जिसने हमसे कभी प्यार किया था, धोखा ना देंगे हमसे ये इकरार किया था, धोखा ना देंगे हमसे ये इकरार किया था। एक बार नहीं वादा ये सवार किया था, एक बार नहीं वादा ये सवार किया था, जो हमने किया शिकवा पूरा ही हो गया, आज मैं फिर में तुम्हारी भी सफाई होगी, आज मैं फिर में तुम्हारी भी सफाई होगी। तुम सितम करते रहे और हम सहते रहे, आज बदला है समा बच के जाएगा कहाँ, जिसका हर काम बुरा उसका अंजाम बुरा, याद ये रखना सदा है गरीबों का खुदा। ये आंखें कन्नी आज मेरे जहर के प्याले, ये आंखें कन्नी आज मेरे जहर के प्याले, खंजर है मेरे हाथ में दिल तोड़ने वाले, अब कोई नहीं तुझको जो मुश्किल से निकाले, अब कोई नहीं तुझको जो मुश्किल से निकाले, अब तो दुनिया से तेरी विदाई होगी, आज मैं फिर में तुम्हारी भी सफाई होगी, आज मैं फिर में तुम्हारी भी सफाई होगी, जिंदगी तुमने लाखों की मिटाई होगी और गर्दन भी लाखों की उड़ाई होगी, आज मैं फिर में तुम्हारी भी सफाई होगी, आज मैं फिर में तुम्हारी भी सफाई होगी, हाँ सफाई होगी। जो भी ट्रेन भेजते हैं वो वापस चली आती है, लगता है बहुत बड़े इंकलाबी की शरारत है, सब जगह लाइनों पर मिलिट्री खड़ी कर दो। कर्नल सलाहुद्दीन। यस कर्नल मोहम्मदीन। तुम्हारा पेट छोटा है, मेरा पेट थोड़ा बड़ा है। थोड़ा मतलब ये कि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत देर से खाया नहीं, ये गिरे हुए फल ही खा लो। उठाओ तो प्लीज।
अच्छा बाबा। ए भाई, पेट भरने के लिए ये फल है और पेट खाली करने के लिए वो फल है। पेट खाली करने के लिए कर्नल मोहम्मद दीन। समझ गया कर्नल सलाउद्दीन। ए फल वाले इधर आओ। नहीं सरकार, हम पुलिस वालों को फल नहीं बेचेंगे। पुलिस वाले दाम बराबर नहीं देते। उल्लू के पट्टे सही रंग के फल। अरे 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 कर्नल मोहम्मद दीन। यस कर्नल सलाउद्दीन। सरकार, ये मुल्क का माल हजम नहीं होगा। अरे हम तो तुमको भी मुफ्त में हजम कर जाए, ये तो फल है। सरकार, हमने तो बोल दिया था कि ये मुस्का माल हजम नहीं होगा। जोरों में लड़ाई हो रही है, मैं भी वहीं जा रही थी। तो फिर फौरन जाओ। लेकिन मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हमारा खुदा मालिक है, तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। तुम अभी जाओ। दोस्त कहाँ है? दोस्त को सिपाही लोग ने मार डाला। आंटी, तुम कुछ मदद कर सकोगी? मैं कोशिश करूंगी पापा। तुम इनका ख्याल रखना। बेशक। अच्छा भाभी, जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान है। खुदा हाफिज़। ले चुपचाप घास खा ले, वरना तेरे कोके उड़ा दूंगा। हाँ, शाबाश। खबरदार, अगर हाथ नीचे लिया तो खोके उड़ा दूंगा। कौन हो तुम? इनकलाबी। इनकलाबी? जी हाँ। तुम वो रुखसाना तो नहीं हो जिसके सारे देश में धूम मची हुई है? जी हाँ, मैं वही हूँ। जी हाँ, और कौन हो? हेड डाउन, बंदूक डाउन। तुमने दुश्मनों को खोके उड़ा दिए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं भी आपका देश वाला हूँ, मुझे भी इंकलाब का मौका दीजिए। मेरा दिल इंकलाब इंकलाब चाहता है, लेकिन कोई मौका नहीं देता। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं दुश्मन को खोके उड़ा दूंगा। आप काम क्या करते हैं? काम? मेरे बाप दादा फ्रांसीसी हुकूमत के जमाने से घोड़ों की देखभाल करते थे। आज मैं वही वर्दी पहन के वही काम कर रहा हूँ। जानती है, सरकार के 500 घोड़े मेरे कब्जे में हैं। आवाज है? एक मुसीबत आन पड़ी। कुछ रिफ्यूजी उस मैदान में सीमा पार करने के लिए ठहरे हुए हैं। एक दिन के लिए उन्हें फौजियों से बचाना है। मैं बचाऊंगा। वो कैसे? वो ऐसे रिफ्यूजी के आसपास भागते हुए घोड़ों का किला बना दूंगा। कोई भी दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो घोड़े उनके खोके उड़ा देंगे, बाकी का मैं उड़ाऊंगा। तो ये काम अभी होना चाहिए? अभी होगा जी। मिलाइए हाथ। मिलाइए। नहीं, कोई बात नहीं। चल बेटा, अपने को भी खोके उड़ाने का मौका मिल गया है, हैं? जिसका बहुत दिन से इंतजार था। शाबाश। वो सामने मैदान में रिफ्यूजी हैं, चलो उनको लूट कर खत्म कर दें। अरे
घोड़ों ने रिफ्यूजी को घेर लिया। कमाल के घोड़े ने। अब चालाकी मत दिखाना। मैं इसे खत्म कर दूं? नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता, तड़पाना चाहता हूं। चलती हुई सलाखों से इसकी आंखें फोड़ो, और इस तरह फोड़ो कि आंखें तो नजर आती रहें, मगर इसकी आंखों को कुछ नजर ना आए। क्या हुआ बेटा? मुझे अंधा कर दिया गया। घबराओ नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कहां है अल्लाह? अल्लाह होता तो मुझे इस तरह अंधा कर दिया जाता? मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, अनाथों विधवाओं के लिए लड़ रहा हूं। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। अल्लाह का नाम लो, ठीक हो जाओगे। कोई अल्लाह नहीं, अगर है भी तो मतभेद पैदा करने के लिए, इंसान को इंसान से लड़ाने के लिए। मैं अल्लाह का नाम कभी नहीं लूंगा। न लेते हुए भी तुमने अल्लाह का नाम ले लिया है, अब उसकी रहमत का करिश्मा देखो। अल्लाह पाक परवरदिगार, अल्लाह 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 अल्लाह। मस्जिद में मैं ही खुदा हूं, गिरजों में मैं ही ईसा, महावीर बुद्ध हूं मैं ही, मंदिर में मैं ही मूर, जब जैसी जहां जरूरत वैसी ही मेरी सूरत। वो बढ़ते हैं जब जब पाप, धरती पर पाप मिटाने आता हूँ। बढ़ते हैं जब जब पाप, धरती पर पाप मिटाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूप बने, मैं हूँ एक रूप बने। कन्हैया बंसी बजैया प्रेम का राग सिखाया है, बन के बुद्ध कभी शुद्ध किया, मन जग को त्याग सिखाया है। कभी मोहम्मद बन के बसाया मक्का और मदीने को, ईसा बन के छलनी किया मैंने कभी अपने सीने को, नानक बन के कभी क्या दीप जलाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने। Thank you.
कभी कुरान तो कभी बाइबल, कभी वेद कभी गीता हूँ। कभी हूँ मरियम कभी जसोदा कभी फातिमा सीता हूँ। मेरे नाम की दे के दुहाई जो लोगों को लड़ाते हैं, वो है बंदे धर्म के अंधे, वो न कभी मुझे पाते हैं। आता नहीं लड़ाने को मैं मेल कराने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने। वो बढ़ते हैं जब जब पाप, धरती पर पाप मिटाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने, मैं हूँ एक रूपने। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई। अल्लाह अकबर। देखो वंदा चला रहा है, चलो आज फिर उसकी खबर लेते हैं। चलो तेरी मुक्ति करूंगा हाथों हाथ। निशाना भी भूल गए। की खूनी ट्रेन चलाओ जो हर शहर में से खून की नदियां बहती हुई निकल जाए। यस सर। अलाउद्दीन के पार्टी में से कोई पकड़ा गया? नो सर, अभी कोई नहीं। तो उल्लू के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उनका पीछा करो। यस सर। जवान। यस सर। क्रेस कमांडिंग ऑफिसर को बुलाओ। ओके सर। अब्बा
और दुश्मन का बना दो डब्बा। आगे बढ़ जा भाईजान, माफ कीजिए देर हो गई। गुड शॉट, यो कर्नल मोहम्मद दीन। मेरी कुर्सात कलर सलाम दीन। दुश्मन की खूनी ट्रेन आ रही, मैं डायनामाइट लेकर सुरंग में चली जाऊंगी और ट्रेन को उड़ा दूंगी। हम जान की बाजी लगाने की सोच कर ही आए थे भाई जान। रुखसाना, ये खतरे का काम है, असन को करने दो। नहीं अब्बा जान, मैंने फैसला कर लिया। असन, तुम अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसके पीछे जाओ। तेरी एक जान के बदले मैं दुश्मन की हजारों जाने ले लूंगा। कर्नल मोहम्मद दीन, कर्नल मोहम्मद दीन, सुनो मोहम्मद दीन, मोहम्मद दीन, अरे अच्छे दोस्त निकले आखिर साथ छोड़ ही गए ना। इस कमबख्त को आज ही खत्म कर दीजिए वरना फिर बाहर निकलेगा। अभी तक तो इसने सिर्फ बहन की लाश देखी है, अब जरा बाप की लाश भी तो देख ले। मगर कैसे हुजूर? तुम हर तरह की आवाज निकाल सकते हो ना? जी हाँ। तो रुखसाना की चीख की आवाज भी तो निकालो, फिर देखो मजा। मरने से पहले मुझे अपने अब्बा का हाथ आखिरी दफा छू लेने दो। अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश यही है तो उठा लो अपने टुंडे बाप का हाथ। आजकल जो अपने देश में दंगा फसाद हो रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं। ये तो इंकलाबी मालूम होता है, इसके बाजू में गोली लगी।
लगता है वो इसी को ढूंढने आ रहे हैं। कहीं छुपा लो उस बेचारे को, वरना वो लोग इसकी जान ले लेंगे। हम इसे झाड़ियों में छुपा दें अंकल। शाबाश बच्चू, जल्दी से ले जाओ। आप लोगों ने किसी इनकलाबी को गुजरते हुए देखा है? जी नहीं। आप लोग उसे बचाना चाहते हैं जो आप लोगों का दुश्मन है। बताओ कहां है वो, बताओ। लाइन अप, आई से लाइन अप। मैं ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ कहां है, कहां है वो? मैं तीन तक गिनूंगा, अगर इस बीच तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो शूट कर दिए जाओगे। सिपाहियों, 1, 2, 3 फायर। अरे ये तो इनकलाबी है, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी माँ को सांप ने काट लिया। मैं इसका इलाज नहीं करूंगी। अच्छा बाबा करती हूँ। मेरा नाम महजबीन नहीं, मेहरू है। वो मेरी जुड़वा बहन थी। वो तो मेरी बीवी थी। अच्छा तो तुम वही हो जिससे मेरी बहन की शादी हुई थी। तुम्हारी वजह से मेरे अब्बा और मेरी बहन की जान गई। मैं अभी पुलिस को खबर करती हूँ। क्या बकते हो? सच कहता हूँ हजूर, जंगल का कोना कोना छान मारा, इनकलाबियों का कहीं पता न चला। Get out! चलो दुश्मनों की बंदूक चुरा ले आए। तुम इस तरफ से, मैं इस तरफ से। एक हरामजादे ने मेरे माँ बाप को मार डाला। क्या बकता है तू, वो हरामजादा नहीं था। बाप कितना फूका लिया, उसको पीटो। हाँ पीटो। तुम अभी तक यहाँ से भागी नहीं? भागने का मौका तो मिले, ये देखो। आज रात डैम तोड़ने की कोशिश करेंगे। अरे वो आंटी भाग गई। वो हमारा प्लान दुश्मन को बता देगी, मगर तुम समझ गए ना हमें क्या करना है। क्या प्लान? क्या है? कुछ इनकलाबी दरिया का बंद तोड़ने वाले हैं। सिपाहियों, यस सर, तुम फॉरन डैम पर चलो और तुम दोनों इस हसीना को इज्जत और हिफाजत के साथ मेरे टेंट में रखो। मैं भी आता हूँ। Thank you.
मर गया मर्दूत। तुम लोग जीप लेकर टाइम पर जल्दी पहुंचो, मैं बाहर से आता हूं। खुदा खुदा अगर मेरा देश सच्चा है तो तू दे दीवार को तोड़ दे। अल्लाह तो तुम्हारे साथ मगर हम भी तो तुम्हारे पीछे हैं। तुम जीत गए हसन, अब है गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मारा जाएगा। लाइन अप। वन टू। रुके न जो झुके न जो मिटे न जो दबे न जो हम वो इंकलाब हैं। हम वो इंकलाब हैं। जुल्म का जवाब है। जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो भाव है। झुके न जो